हेलो फ्रेंड्स, तो गाइस अवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर ने कई सारे कमाल किए हैं। ये मूवी हर तरह से बेस्ट है, फिर चाहे हम बात करें कॉमेडी, एक्शन, सीजीआई इफेक्ट, स्टोरी या फिर हम सारे फैंस को परेशान करने की। लेकिन उससे भी बड़ी बात यह है कि 2 घंटे 40 मिनट की मूवी में 40 कैरेक्टर्स को कास्ट करना, शायद यही सारी चीजें हैं जिनकी वजह से ये मूवी इतना कमाल कर पाई। हैट्स ऑफ टू यू रूसो ब्रदर्स। फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे इन्फिनिटी वॉर के हर कैरेक्टर से रिलेटेड स्क्रीन टाइम और उनसे जुड़ी कुछ बातों के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर का हम फैंस काफी सालों से वेट कर रहे थे। कोर फैंस इस बात से परेशान थे कि ये मूवी कॉमिक्स के इन्फिनिटी वॉर जितनी इंटरेस्टिंग होगी या नहीं। लेकिन अप्रैल 2018 में रूसो ब्रदर्स ने हमारे सब्र को खत्म करते हुए हमें एक ऑसम मूवी दी। इस मूवी में हमें टोटल 40 मेन कैरेक्टर्स देखने को मिले। ये बात सोचने वाली है कि 40 कैरेक्टर को 2 घंटे 40 मिनट के अंदर प्रॉपर स्क्रीन टाइम देते हुए कास्ट करना। ऐसा इसलिए है क्योंकि 160 मिनट की मूवी में ऑन एवरेज सारे कैरेक्टर्स को सिर्फ 4 मिनट का ही टाइम मिलेगा। फिर भी रूसो ब्रदर्स ने प्लॉट को नजर में रखते हुए सारे कैरेक्टर्स को प्रॉपर टाइम दिया। तो आइए देखते हैं कि किस कैरेक्टर को कितना स्क्रीन टाइम दिया गया। सबसे पहले हम बात करेंगे मैड टाइटन थानोस की, क्योंकि ये मूवी एवेंजर्स की कम थानोस की ज्यादा है। प्लस इस मूवी में ही हमें थानोस का कैरेक्टर कुछ अलग दिखा कॉमिक्स से। कुल मिलाकर थानोस का स्क्रीन टाइम था 29 मिनट। थानोस को ज्यादा स्क्रीन टाइम देना एक बहुत ही क्लेवर मूव था, क्योंकि कोर फैंस या कैजुअल फैंस किसी को भी मूवी वर्जन ऑफ थानोस के बारे में नहीं पता था। कॉमिक्स में थानोस का मेन मोटिव था मिस्टर्स डेथ को इम्प्रेस करना, लेकिन मूवी में थानोस का दूर दूर तक मिस्टर्स डेथ से कोई लेना देना नहीं था। थानोस को सिर्फ आधे यूनिवर्स को खत्म करना था ताकि बाकी की बची आधी पॉपुलेशन आराम से रह सके। अवेंजर्स कैप्टन अमेरिका सिविल वॉर के बाद अवेंजर्स की टीम डिवाइड हो गई, टीम आयरन मैन और टीम कैप्टन अमेरिका। सिविल वॉर के इवेंट्स के दौरान हल्क और थॉर का कुछ पता नहीं था। सिविल वॉर के खत्म होने के बाद टीम कैप को क्रिमिनल घोषित कर दिया गया और थॉर रैग्नारोक में हमें यह भी पता चला कि हल्क प्लैनेट साकार पर और थॉर एस्गार्ड पर है। तो आइए देखते हैं कि हर अवेंजर को कितना स्क्रीन टाइम मिला है। कैप्टन अमेरिका को मिले थे 6 मिनट 45 सेकंड्स, टोनी स्टार्क को मिले थे 18 मिनट, थॉर को मिले थे 14 मिनट 30 सेकंड, विजन को मिले थे 9 मिनट 45 सेकंड, वांडा मैक्सिमॉफ यानी कि स्कारलेट विच को मिले थे 9 मिनट, डॉक्टर ब्रूस बैनर यानी कि हल्क को मिले थे 8 मिनट 45 सेकंड, स्पाइडरमैन यानी कि पीटर पार्कर को मिले थे 7 मिनट 30 सेकंड, फाल्कन यानी कि सैम विल्सन को मिले थे 2 मिनट 15 सेकंड, कर्नल जेम्स रोड्स यानी कि वॉर मशीन को मिले थे 3 मिनट, ब्लैक विडो यानी कि नताशा रोमानोफ को मिले थे 5 मिनट और हॉकआई जो भी 0 मिनट। तो पूरे अवेंजर्स टीम में सबसे ज्यादा स्क्रीन टाइम मिला था हमारे फेवरेट टोनी स्टार्क को। टोनी स्टार्क को ज्यादा टाइम मिलना बहुत ही ऑब्वियस था, क्योंकि सारे फैंस को टोनी के नए लुक का इंतजार था यानी कि ब्लीडिंग एज आर्मर। वकांडा ब्लैक पैंथर मूवी में हमें प्रॉपरली पता चल गया कि वकांडा कितना कैपेबल है अपने आप को डिफेंड और काउंटर अटैक करने में। हमें ये भी पता चला कि वकांडा के पास अपना मास्टरमाइंड यानी शूरी भी है, जिसका एक बड़ा रोल था विजन के सर से माइंड स्टोन को डिस्कनेक्ट करना। तो आइए देखते हैं कि हर वकांडा वॉरियर को कितना स्क्रीन टाइम दिया गया। ब्लैक पैंथर यानी कि तचाला 3 मिनट 30 सेकंड, ओकोए 3 मिनट 15 सेकंड, शूरी 1 मिनट, एम्बाकू 1 मिनट, गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी। अगर स्टार लॉर्ड की बेवकूफी को हम इग्नोर करें तो गार्डियन भी काफी इंपॉर्टेंट थे और हमने एक गार्डियन को खोया भी, गमोरा। गमोरा काफी इंपॉर्टेंट थी और ये बात हमें कंफर्म हो गई जब ये पता चला कि थानोस की सबसे प्यारी चीज भी गमोरा ही है। थानोस ने प्लैनेट वार्मीर पर गमोरा की जान देते हुए साउल स्टोन को हासिल किया और ऐसा करते हुए उसकी आंखों में आंसू भी आए थे। तो आइए देखते हैं कि हर गार्डियन को कितना स्क्रीन टाइम मिला है। स्टार लॉर्ड 10 मिनट 15 सेकंड्स, गमोरा 19 मिनट 30 सेकंड्स, रॉकेट 6 मिनट, ड्रैक्स 4 मिनट 45 सेकंड, मैंटिस 4 मिनट 45 सेकंड, ग्रूट 3 मिनट 15 सेकंड्स, नेब्यूला 3 मिनट 15 सेकंड। अगर स्टार लॉर्ड ने बेवकूफी ना की होती तो शायद थानोस का गेम टाइटन पर ही खत्म था। पर क्या करें, प्यार में लोग अंधे हो जाते हैं, इसीलिए हमने आधी यूनिवर्स को खो दिया। ब्लैक ऑर्डर थानोस के बच्चे भी कुछ कम नहीं थे। एवोनी मॉ ने तो ऑलमोस्ट डॉक्टर स्ट्रेंज को मार ही दिया था, फिर भी ब्लैक ऑर्डर मूवी में काफी लो रहे। तो चलिए देखते हैं कि हर ब्लैक ऑर्डर मेंबर को कितना स्क्रीन टाइम मिला। एवोनी मॉ 4 मिनट, प्रॉक्सिमा मिडनाइट 3 मिनट 45 सेकंड्स, कल ऑब्सिडियन 3 मिनट 45 सेकंड्स, कॉर्वस ग्लेव 3 मिनट 30 सेकंड्स, सॉर्सर सुप्रीम। डॉक्टर स्ट्रेंज ने तकरीबन 10 सेकंड के अंदर अवेंजर्स 4 में क्या होने वाला है ये सारी चीजें देख ली थी और उनको ये पता चल गया था कि टोनी स्टार्क एक मेजर कैरेक्टर है जो कुछ कर सकता है,
तो शायद यही वजह थी उन्होंने टाइम स्टोन दे दिया थानोस को। तो चलिए देखते हैं डॉक्टर स्ट्रेंज और उनके साइडकिक वोंग को कितने स्क्रीन टाइम्स मिले थे पूरी मूवी में। डॉक्टर स्ट्रेंज 11 मिनट 30 सेकंड्स और वोंग 2 मिनट 45 सेकंड्स। अगर हम बात करें अदर कैरेक्टर्स की तो उसमें लोकी को मिले थे 3 मिनट 15 सेकंड्स, ड्वार्फ एट्री को मिले थे 2 मिनट 45 सेकंड्स, व्हाइट वुल्फ मींस बकी बांस को मिले थे 2 मिनट, पेपर पॉट्स को मिले थे 1 मिनट 30 सेकंड्स, स्टोन कीपर यानी कि लाल खोपड़ी मींस रेड स्कल को मिले थे 1 मिनट 30 सेकंड्स, टी रॉस को मिले थे 1 मिनट, निक फ्यूरी को मिला था 1 मिनट, मारिया हेल को मिला था 45 सेकंड्स, हेमडाल को मिले थे 45 सेकंड्स, कलेक्टर को भी 45 सेकंड्स और नेड लीड्स को 15 सेकंड्स। तो गाइस ये थे एवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर में सारे कैरेक्टर्स के स्क्रीन टाइम्स और उनसे जुड़ी कुछ बातें। अगर आप लोग को मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा और भी ऐसे कई सारे फैक्ट्स और हमारे चैनल से रिलेटेड अपडेट्स के लिए आप हमें फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। और अगर मुझसे कोई चीज़ मिस रह गई हो या फिर आपके पास कोई आइडिया हो हमारे वीडियो से रिलेटेड तो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और भी ऐसे कई सारे कंटेंट्स के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और हाँ, बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि आप हमारे अपलोड से नोटिफाई होते रहें। थैंक यू गाइस, दिस इज आरएस, प्ले ऑन।